तो अब हम आए हैं दूसरा अभ्यासक्रम ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ओके, तो वो कितने 10 पेजेस का है तो हम देख लेंगे, ठीक है। उसके पहले जो था चैप्टर 1, ओके, तो ये मैंने सौर्यमंडल में पृथ्वी ये मैंने कवर किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने लिंक वहीं दे चुकी है, बराबर, तो देख लेना। तो अब आएंगे, और मैंने बात की थी ये अभ्यास जो है तो वो मैं लास्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, तो उसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो देख लेना आप। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं दूसरा अभ्यासक्रम ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, सॉरी, हमारी पृथ्वी जो है वो गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। देखो ये जो है ये ग्लोब है, और ये कहाँ होता है तो आप शायद प्रिंसिपल रूम में गए होंगे, अगर नहीं गए होंगे तो जाके आओ, वहाँ पर शायद होगी, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे स्कूल में तो है, थी। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, तो ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। ओके, आप शायद अहमदाबाद में रहते होंगे तो शायद आपको पता है साइंस सिटी करके है जगह, तो वहीं पृथ्वी बनी हुई है, ठीक है, तो वही एक नॉर्मल एक है पिकनिक जैसा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब या गुब्बारे जैसे कि ग्लोब जिसे हम हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं है, इसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कि कुमार का पहिया या लट्टू घुमाता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ओके, आप ऐसा हो तो गूगल में सर्च करिए, बराबर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इधर ये ग्लोब दिखाई ही दिया है। तो ये क्या बोल रहा है टूंक में, इस ग्लोब को इस दिशा में या तो फिर यहाँ से ऐसे ओके घुमा सकते हो। हम मैंने कहा था कि हम क्रिकेट खेलते होंगे तो वो गेंद है, बराबर, तो उसको इस दिशा में हम घूर्णन, बराबर, तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं। ओके, ऐसा भी ये घूम सकता है और ये ऐसा भी घूम सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, आप देखोगे कि सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। ये देखो ये जो है ये सुई है। ओके, ये यहाँ से ऐसे घुसी हुई होती है, ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं जिसे अक्ष कहा जाता है, तो इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। ओके, देखो ये अक्ष, ओके, तो ये जो है वो अक्ष है, देखो ये जो है ये अक्ष है। ओके, तो देखते आकर ग्लोब पर वो दो बिंदु जिसे होकर सुई गुजरती है उत्तर या दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब के इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है जिसे हम अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ओके, तो इस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, बराबर। अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है जिसे हम विषुववत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, इस प्रकार विषुववत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का संपूर्ण महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुववत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुववत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुववत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का एक चौथाई है, जिसका माप होगा 360 अंश का, यानी कि एक चौथा, यानी कि 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाते हैं, यानी कि 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को ध्रुव को। ओके, देखो ये 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री है, ठीक है, और ये है वो उत्तरी ध्रुव है। ओके, ये विषुववत वृत्त है। ओके, समझ में आता है ना, नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट में कर देना, बता देना। ओके, नेक्स्ट क्या है, तो इस प्रकार विषुववत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुववत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो ये याद रखना मित्रों, क्या है, तो विषुववत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुववत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ओके,
नेक्स्ट क्या है, इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उनकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। इसे उ यानी के उत्तर, द यानी के दक्षिण से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर, महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बी बेलो होरिजोंटे। नाम थोड़ा कठिन है लेकिन 2-3 बार 10 बार बोलोगे तो जरूर याद रह जाएगा। जिसके मैंने बोला था बुशुप्रु मंगूश यूने प्लू, ये क्या है, तो ये ग्रह है, सूर्यमंडल के ग्रह है। तो वो अगर आपको नहीं पता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है चैप्टर 1। हमारा सूर्यमंडल में पृथ्वी, तो देख लेना आप। तो हम कहाँ थे, यहीं थे। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर नाम का एक जिला है अथवा तो गांव भी बोल सकते हैं, एवं ब्राजील में बेलो होरिजोंटे। महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो होरिजोंटे। तो दोनों ही अक्षांश 20 अक्ष पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुववृत्त के 20 अक्ष में उत्तर में एवं बेलो हेरिटेज विषुववृत्त के 20 अक्ष दक्षिण में स्थित है। इसलिए हमें चंद्रपुर 20 अंश उत्तर दशांश पर तथा बेलो हेरिटेज 20 अंश दक्षिण दक्षांश पर स्थित है। ऊ एटले के उत्तर और द एटले दक्षिण, बराबर। चित्रों में जैसे कि हम विषुववृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। माफ करा मित्रों, ये मुझे कि नहीं पता क्या हो रहा है। देखो ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। और ये जो हमें दिखाई देती है सीधी रेखा, उसको हम विषुववृत्त कहते हैं। और फिर उसके बाद ऐसा थोड़ा हम गेंद में मालूम होगा आपको ऐसी लाइन होती है, अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे तो आपको पता होगा। तो इसको हम कहते हैं कर्क रेखा, इसको कहते हैं हम मकर रेखा। और फिर ये वाली है, ये एक प्रकार की गेंद की डिज़ाइन ही है, तो आपको वैसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बराबर। ये है उत्तरी शीत कटिबंध, ये है दक्षिणी शीत कटिबंध। ये आप देख लीजिए, ये वाला जो भाग है इसको दक्षिण कहते हैं, इसको कहते हैं उत्तर। दूसरा तो कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है महत्वपूर्ण अक्षांश विषुववृत्त, वो है 0 अंश। देखो ये विषु, मैं थोड़ा भूस देता हूँ, थोड़ा आपको पता चलेगा। तो हम दूसरी पेन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वाली, ठीक है, नहीं ये वाली। चलो, तो ये क्या बोल रहा है, विषुववृत्त, विषुववृत्त वृत्त, लेकिन ये तो 0 ही होगा क्योंकि ये लाइन है। सीधी लाइन है इसलिए 0 ही है, बराबर। नेक्स्ट क्या है, उत्तर ध्रुव 90 लेकिन 90 अंश, बराबर। तो कहाँ गया उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव ये इस साइड होगा, इसके लिए देखो ये ऐसा एंगल बना, तो ये कितना होगा, इतना हम करेंगे तो 90 हुआ, 90 एंगल हुआ। 90 एंगल है वो उत्तर, और फिर दक्षिण जो है वो नीचे जाएंगे हमेशा नीचे। देखो मैं फिर से बोलता हूँ, ये है विषुववृत्त वृत्त। तो हम इसे ऊपर की बाजू गए तो ये हुआ उत्तर ध्रुव, और इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री बना। 90 डिग्री, ये देखो उत्तर ध्रुव 90 डिग्री, 90। और फिर दूसरा हम भी ये जो है लाइन, विषुववृत्त वृत्त की, तो इससे हम नीचे की ओर आए तो वो भी बना 90 अंश। 90 अंश बना कि नहीं, तो जैसे हम कहें 90 अंश। अभी इतना भी आप बच्चे नहीं हो, आपको पता है अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश दिखाई है, बराबर। तो पहली है वो उत्तर गोलार्ध में कर्क रेखा, दूसरा है दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा, विषुववृत्त में 86 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, और विषुववृत्त रेखा 66 डिग्री दक्षिण में दक्षिण वृत्त रेखा। तो वो देखा ही देता है, मैंने अभी चलाया। ठीक है, देखो कर्क रेखा 23, याद रखना वो। नेक्स्ट क्या है, पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो वो क्या है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। आपको पता है 12 बजे एकदम ऐसा बहुत ही ताप लगता है। तो वो क्यों लगता है, कि भाई हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। आपको पता है बहुत ही पसीना भी आता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम उष्ण कटिबंध। देखो ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया है, ठीक है, कि भाई इसमें ये क्या है, ये टॉर्च है। तो टॉर्च का ये जो प्रकाश है वो जा रहा है इधर, ये एक होल है, काणा है, ठीक है। और ये क्या है, एक वो आप पुट्ठा कागज ले सकते हो, ठीक है, तो उसमें गोल सर्कल हमको ड्रॉ कर देने का है, और फिर ये टॉर्च है। आप टॉर्च की जगह मोबाइल की फ्लैश लाइट भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा गोल एक लाइट आएगी, ठीक है, यहीं पर पड़ेगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्या है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। सूर्य की तरफ सूर्य के किरणों तिरछी होती है। देखो ये तिरछी, अगर हम ये जो है इसको ये अभी के
तरीके से 90 एंगल में है, मतलब कि स्थिर है, ओके। तो इसको हम कुछ एंगल दे देते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 30 एंगल दिया है, ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऐसा कुछ प्रकाश आएगा, ओके। इधर ऐसा मेंशन होगा क्योंकि इधर कैसा गोल था, ओके। तो गोलार्ध में इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव में दक्षिणी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच में क्षेत्र में ठंडी बहुत होती है क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो ये थोड़ा परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भाई शीतोष्ण कटिबंध किसे कहा जाता है और शीत कटिबंध किसे कहा जाता है। तो मैं इसका उदाहरण दे सकता हूँ मित्रों, कि भाई शीतोष्ण कटिबंध में आप परीक्षा में लिख सकते हो कि अफ्रीका, ओके। अफ्रीका में आप जानते होगे कि बहुत ही काले काले लोग रहते हैं। और शीत कटिबंध का उदाहरण मैं दे सकता हूँ अमेरिका, अमेरिका में आप देख सकते हो बहुत ही गोरे गोरे लोग रहते हैं, ठीक है। तो आप इसका परीक्षा में लिख सकते हो, ठीक है। भाई शीतोष्ण कटिबंध अफ्रीका का एग्जांपल दिया मैंने, उदाहरण दिया, तो उसमें बहुत ही सूर्य का प्रकाश है वो यहाँ पर बहुत पड़ता है, ठीक है। तो उसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है अफ्रीका, बराबर। और अमेरिका में इसमें सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं आता, इसलिए वो गोरे लोग हैं जिसे हम शीत कटिबंध कहलाते हैं, ओके। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के देशांश के लिए अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप के एक ही अक्षांश 20 अंश दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर भी कहते हैं तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है, ओके। तो आप जान सकते हो कि जैसे कि अब हम चलते हैं, ठीक है, ये रोड है, हम यहाँ पर चलते हैं, सपोज यहाँ से चलने की शुरुआत की तो यहीं पहुँचे, तो हमको पता है ये किस में रहता है, ये किलोमीटर में रहता है, ठीक है। तो अब पृथ्वी है तो उससे कुछ दूरी मापने के लिए हमको क्या चाहिए, तो भाई उसको मापने के लिए हम क्या कहते हैं, उसको देशांतर कहते हैं, ओके। सिंपल है, कुछ माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है, इनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ाने पर घटती जाती है, कुछ ध्रुव पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की यह वेधशाला स्थित है, ये गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यह यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। इसका मान 0 अंश देशांतर है। यहाँ से हम 180 या पूर्व 180 पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। पृथ्वी प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलाकर पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिम गोलार्ध में विभक्त करती है। यानी कि 180 प्लस 180 प्लस 180 कितना हुआ, 360 हो रहा कि नहीं। तो हमारी पृथ्वी का वो जो गोल है वो कितना है, 360 डिग्री, ओके, डिग्री या तो फिर अक्ष आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वो यही बात कर रहे हैं, तो पूर्व की ओर 180 है और फिर दक्षिण की ओर 180 है, ठीक है। तो ओके वही है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 उत्तर अक्षांश एवं 90 अंश पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब इस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यह बिंदु धुबरी का सही स्थिति होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज रेखा को क, ख, ग, घ, ड अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखा एक दूसरे से काटती है वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्त को अ, ब, स, द, ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखा पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी देशांतरों को व्यक्त करती है। कुछ नहीं है, अगर आपको करना है तो कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो उसके बाद में क्या है, देशांतर और समय। तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह
पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुपान सूर्य के द्वारा बनाई वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे उच्च बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थिति सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी कि ये जो पृथ्वी है तो उसके एग्जैक्ट सामने सूर्य अगर होगा बराबर, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई दोपहर हो गई है, मतलब 12 बज गए हैं। ठीक है, बजते कि नहीं हमारी पृथ्वी में 12, बस वही। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में उनका समय ग्रीनिच समय के आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि में से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपना अक्ष 360 पर घूम जाती है। ओके, मैंने कहा था पृथ्वी वो कितना डिग्री होता है, 360 कितने 24 घंटे में। ओके, अर्थात वह 1 घंटे में 15 अंश एवं 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। इस प्रकार ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 अंश पूर्व में समय होगा, यानी कि 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के एक समय में 1 घंटा आगे या दोपहर का 1 बजा होगा, यानी कि 12 से 1। ओके, तो कितना होता मिनट, 60 मिनट होते हैं। ओके, 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय में 1 घंटा पीछे होगा, यानी कि वह सुबह के 11 बजे होगा। अगर पीछे अगर जाएंगे तो फिर कितने बजे होंगे, 11। ओके, 11 फिर 12 बजते हैं ना, उसके बाद 1। ओके, इस प्रकार ग्रीनिच दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपना उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय की कड़ी में 12 बजे, अभी 2 मिनट पहले ये सिखाया था इधर, बराबर ऐसा होगा तो कितने बजे होंगे, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इससे ऐसा 90 एंगल बनाओ, इधर जो बजे होंगे वो 12 बजे होंगे, ये क्या है, सूर्य है। ओके, नेक्स्ट क्या है, हम मानक समय क्यों मानते हैं। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इस भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे आरंभ में शुरू होगा, यथा भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? ओके, अगर आपको जानते हो तो कॉमेंट में बताना। ओके, भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ के समय ग्रीनिच समय 5:30 आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होगी तब भारत के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशांतरों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वह 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के रूप में 11 मानक समस्याओं को समय को अपनाया गया है। पृथ्वी के 1-1 घंटे वाला 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को गिराता है। अगर आप मोबाइल बहुत ही अच्छा है तो फिर आपको ये सब जो समय है वो आपके मोबाइल में मेंशन होगा। ओके, तो अब अभ्यास जान लेते हैं। तो मैंने कहा था और अभी भी मैं कहता हूँ, इस अभ्यास का अगर आपको चाहिए तो फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्या चाहिए तो इसके आंसर तो मैं मेंशन कर दूँगा, सब बोलूँगा। ओके, तो वो कहाँ है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो देख लीजिए और प्लीज़ हमारी चैनल को LSS कीजिए। LSS यानी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, धन्यवाद।